अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एक्यूमेल के किचन में आपको खुश आमदेद करते हैं एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ग्रीन मायो टिक्का। अच्छा, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स आएंगे वो मैं आपको बता दूँ, लेकिन सबसे पहले हमने ये लिए हैं चिकन टिक्का बनवाया हमने, और इसको हमने कट लगा दिए इस तरह से। चेस्ट का लेंगे आप तो अच्छा बनता है, इसमें ज़रा गोश्त ज़्यादा होता है, आप चाहें तो लेग पीस का भी ले सकते हैं। इसमें जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है हमारे पास प्याज पिसी हुई 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, ज़ीरा साबुत बगैर भुना 1 टेबल स्पून, क्रीम हमारे पास जा रही है इसके अंदर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट जा रहा है 1 टीस्पून। सॉल्ट आप कम ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं, हम 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो टेबल तक ले जाएँ, जैसा भी टेस्ट आपको पसंद हो। अच्छा, ऑयल इसमें जा रहा है 1 टेबल स्पून, और इसके अंदर दही जा रहा है 1/4 कप, ठीक है। अच्छा, ये जो मेयोनीज़ है जिसकी बेस पे बनेगा तो ये हमारे पास जा रही है 1/2 कप, ठीक है। मेयोनीज़ जो कोई भी आप घर की बनी भी हो, आपके पास जो होममेड हो, हमारी होममेड है, आप जो भी कंपनी की अच्छे ब्रांड की हो वो यूज़ कीजिएगा, उसमें आप जो है सस्ती वाली मत यूज़ करिएगा, इसका जो फ्लेवर है ना वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, हरा धनिया हमारे पास चॉप हुआ हुआ तकरीबन 1/2 कप है, और हरी मिर्चें इसमें बहुत ज़्यादा जाएंगी, तो इसमें ज़्यादा में भी मैंने ये 4-5 ले ली है, उसको चॉप कर लिया है। सब कुछ पिसेगा, किस तरीके से प्रिपेयर होता है मैं आपको बताती हूँ। अब ये सब कुछ काट के रखा है, लेकिन ये सब कुछ पिसेगा, ठीक है, और उसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे, और मैरिनेट करने के बाद हम इसको रखते हैं तकरीबन 1.5 से 1.5 घंटा। आपके पास टाइम ज़्यादा हो लगाइए, इसको ओवरनाइट रख लीजिए, फ्रीज कर दीजिए लगा के, जब दिल करे मेहमान आए गेस्ट आए तो आप इसको प्रिपेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए। मैं अब आपको बताती हूँ इसको कैसे प्रिपेयर करना है। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, एक हम जग ले लेंगे जिसके अंदर हम इसको सबको मिला के ग्राइंड करेंगे अच्छा सा, ताकि कि स्मूथ पेस्ट बन जाए। ये हमारे पास जा रही है क्रीम। अच्छा, क्रीम आप कोई भी ले सकते हैं, टेट्रा पैक की जो क्रीम्स होती हैं, ठीक है, वो आप कोई भी ले लीजिए अच्छी कंपनी की। ये सॉल्ट, ऑयल, प्याज, बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर होगा, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा तेज़ इसकी जो सिर्फ तेज़ी है वो हरी मिर्चों से ही होगी। लहसुन अदरक का पेस्ट, अच्छा ये दही 1/4 कप है हमारे पास, ठीक है, लेमन जूस, हरा धनिया, चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लिया करें, महंगाई बहुत है तो उस हिसाब से कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये 1/2 कप हमने मायो मेयोनीज ये ले ली है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल मायो है ये। अब इन सबको मिला के मैं इसको पीसती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि इसका क्या कलर और क्या शेप निकलता है। ये देखिए, एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, माइल्ड कलर में, बहुत ज़्यादा ग्रीनिश पे नहीं है, लेकिन बहुत आप जब ये बनाएंगे तो ये बहुत यमी किस्म का टिक्का बनता है, बहुत जूसी और बहुत फ्लफी सा, सॉफ्ट सा, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है ये जब बनाएंगे, तो फिर आपको आइडिया होगा। बस इस तरह से हम इसको कवर करते हैं, ठीक है, एक तरफ से हम इसको अच्छे से लगाएंगे खुले बर्तन में और बड़े में लीजिए, ताकि जो है ना ये आराम से आप जो इसका, अच्छा इसको हम इस तरह से चेंज करा, एक तरफ हमने अच्छे से लगा दिया मसाले को, दूसरी तरफ हम इसको इस तरह से फिर चेंज करेंगे, और दूसरी साइड भी हम अच्छे से मसाला लगाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसको किस तरह से हमने प्रिपेयर करना है। 1/2 से 1 घंटे के लिए हम इसको रखेंगे, अगर टाइम आपके पास ना हो, अगर आपके पास जितना टाइम हो आप उतना रखें, जितना ज़्यादा आप इस पर रखेंगे इसको मसाला लगा के उतना अच्छा इसका है, इसमें जो कट लगे हुए सारा मसाला अंदर तक जाएगा और बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा। आप, मैंने चिकन टिक्का चेस्ट के पीस लिए, आप चाहें तो लेग के भी ले सकते हैं, आप चाहें छोटी बोटी में लगा सकते हैं, ठीक है, अगर टिक्के में आपको नहीं समझ अच्छा लगता या बड़े पीसेज हो जाते, ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं तो आप इसको छोटे में ही बना सकते हैं। बस इसको हम लगा के छोड़ेंगे और फिर मैं आपको इसको प्रिपेयर करके बताऊँगी इसको कैसे प्रिपेयर करना है।
ये देखिए एक तरफ से ये हो चुका और अब जो है इसको मैंने कहा आपके सामने इसकी दूसरी साइड को मैं चेंज करूं और दिखाऊं। ये देखिए इसके नीचे जो आपको ये ग्रेवी नज़र आ रही है ये सब आप इसके ऊपर डालते जाएं वक्तन फवक्तन जैसे ये कुक होता रहे, ठीक है। अब इसका जो है हम जब इधर से कलर आता है फिर मैं आपको इसको चेंज करके बताती हूँ। मैंने कहा आपको बीच में एक इसका दिखा दूँ कि इसमें से इतना पानी निकलता है तो परेशान मत होइएगा, ये सब पानी अभी इसी में खुश्क हो जाएगा और एक अच्छा सा कलर इसको दे देगा। बहुत फास्ट कलर नहीं लेकिन हम लाइट सा कलर देंगे ताकि हमारा ग्रीन कलर ख़राब ना हो। आप इसको चाहे बारबेक्यू में बनाएं, आप इसको चाहे कढ़ाई के अंदर बना लें और कोयले की धुंडी दे दें, तो मैं इसको पैन में इस तरह से बना रही हूँ फिर आपको बताती हूँ। जी व्यूअर्स देखिए ये ग्रीन मायो टिक्का जो भी मैंने आपके सामने प्रिपेयर किया और मैंने अब एक दफ़ा से एक तरफ आप सबको दिखा दिया तो दूसरी तरफ भी जब इसका अच्छा सा कलर आ गया, ये देखिए बिल्कुल माइल्ड सा कलर आना चाहिए, बिल्कुल कोई फास्ट कलर मत कीजिएगा नहीं तो इसका जो फ्लेवर्स है ना वो सारे ख़राब हो जाएंगे और वो मज़ा नहीं आएगा इसको। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी होता है, माइल्ड फ्लेवर के साथ होता है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे फिर किसी नई रेसिपी में किसी नए इंग्रेडिएंट को लेके। हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें और ख़ुद भी खुश रहें और लोगों को भी खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश करें। और हमेशा की तरह से यही स्लोगन जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ, ईट हेल्दी फील हेल्दी।